सो हे गाइज यार, वेलकम बैक टू डी अनदर वीडियो। एंड गाइज आज के इस वाले वीडियो में गाइज हम लोग फौजी का यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। एंड यार ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। और गाइज ये जो भी देशभक्त हैं यहाँ पे, जो भी ये लोग ज्ञान देंगे कि भाई मतलब इंडिया का गेम है, ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो, तो भाई वो लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि यार ये ऑनेस्ट रिव्यू। एंड गाइज एज अ गेमर मैं ये रिव्यू दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे साथ में पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड भी न्यूज़ देने वाला हूँ कि भाई अब क्या मतलब, अब स्पेकुलेशन तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, फौजी आ गया, अब यहाँ पे गाइस कुछ रास्ते में नहीं है पबजी के, तो बात करेंगे उसके बारे में भी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। उससे पहले जाके चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन भी क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाओ और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सो गाइस सर, अब हम लोग गाइस सबसे पहले फौजी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? फौजी का पूरा मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। एंड ये रिव्यू गाइस मैं आपको तुरंत से नहीं देने वाला हूँ, मतलब एक दिन पूरा खेला है भाई मैंने, एक दिन सोच रहे हो, एक दिन पूरा खेला है, बार बार कंटिन्यूसली खेला है गेम को। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मतलब उसकी अच्छाई भी है बुराई भी है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो सबसे पहले गेम स्टार्ट होता है, कटसीन्स वगैरह ऐड करेगा या कटसीन्स गाइस उसके अंदर जो हिंदी वॉइस ओवर करी गई है वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। हाँ कटसीन्स के अंदर में गाइस वो लोग एक कॉमिक टाइप का सीन बनाए थे, बट उसके बदले अगर ग्राफिक्स वाला डाल देते ना, मतलब एक एनिमेशन टाइप का डाल देते तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। लेकिन भाई बजट नहीं होगा यार, कुछ सीन होगा पता नहीं मुझे, बट जो भी था गाइस कॉमिक वाला उतना खास नहीं लगा, बट हाँ ठीक था। और मतलब कटसीन्स वगैरह बीच में दिए गए हैं तो वो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीच में गाइस गेम के वॉइस ओवर्स हैं बहुत, वो भी अच्छे हैं, ठीक है? वॉइस ओवर्स दिए गए गेम के बीच में, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसके अलावा भाई मतलब हम लोग बात करेंगे गेम मैकेनिज्म के तरफ, भाई गेम मैकेनिज्म गाइस मैं लिटरली बोल रहा हूँ क्या ही तट्टी मैकेनिज्म है। मतलब गेम का आप लोग इस गेम को डिसेंट बोल सकते हो, लेकिन गेम का मैकेनिज्म को भाई डिसेंट नहीं बोला जा सकता है, ठीक है? क्या क्या यहाँ पे गाइस इसके कौन से बताता हूँ। सबसे पहला आपको यहाँ पे एक भी गन नहीं मिलती है, मतलब फौजी है नाम और फौजी के पास गन नहीं है, ठीक है? मतलब बिना गन के गए थे क्या भाई, ये तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भाई गन तो देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे गाइस, अगर चाइनीज सोल्जर को हम लोग मुक्के से भी मार रहे हैं, मुक्के से मारने के बाद अगर आपको ऐसे 10-12 या फिर 8-10 यहाँ पे घेर लेते चाइनीज सोल्जर, तो आपको मारेगा कोई नहीं भाई, आपके सब आसपास खड़े रहेंगे और आपको सबको घेर के खड़े रहेंगे, बट फिर भी आपको मारेगा कोई नहीं। तो ये तो गेम मैकेनिज्म में रियलिज्म रहा ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है ये, ठीक है? तो ये तो खैर हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे गाइस गेम में मिशंस के बारे में आते गाइस, ये तो सुनो आप लोग अच्छे से, ठीक है? तो मिशंस गाइस गेम के अंदर में क्या है, टोटली गेम का जो टाइम है, जो पूरा 25 मिनट का गेम है, 25 मिनट से ऊपर 1 मिनट का भी गेम नहीं है ये, ठीक है? अगर आपने लेट करा तो गेम खत्म हो जाएगा, फिर से आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तो गाइस सबसे बड़ा बेकार चीज़ हो गया। मैंने सोचा था भाई स्टोरी मोड का तो ऐसे लेवल वाइज सिस्टम होगा, level 1 level 2 एटलीस्ट level 10 तक तो ये लोग प्राइमरी बेसिस में बनाएंगे, बट यहाँ पे गाइस 25 मिनट की गेम देखने को मिल गई, तो यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे मूड खराब हो गया, ठीक है? तो ये तो आप लोग समझ सकते हो, इसको आप लोग गाइस 1 से 2 बार खेलने के अलावा खेल ही नहीं सकते हो, ठीक है? सिर्फ मुक्के मार मार के आप लोग थक जाओगे। दूसरा, मुक्के मारने से 15-20 का डैमेज लगता है, और वही जो हथियार मिलता है आप लोगों को जो खंजर टाइप का रहता है, उससे गाइस 25-30 का डैमेज लगता है, तो भाई उस खंजर को लेके मतलब ही क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सारे यहाँ पे कॉन्स है, और गिनाने जाऊँगा तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है? तो ये सब मैं नहीं करना चाहता, साफ साफ गाइस मैं एक ही वर्ड बोलना चाहता हूँ, गेम जो है इंडियन गेम है, इसलिए गाइस मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, बाकी अगर ऐसे नहीं होता ना तो गाइस ये कोई गेम प्ले करने लायक नहीं है। ये गेम्स गाइस मतलब किड्स प्ले कर सकते हैं, मतलब जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो लोग आराम से टाइम पास करने के लिए कर सकते हैं, और वो लोग भी गाइस कुछ टाइम के बाद बोर हो जाएंगे। कैंडी क्रश वगैरह खेलो वो ज़्यादा बेटर है, बट हाँ मतलब इंडियन गेम है तो यार थोड़ा सपोर्ट हमने भी करा भाई, मतलब वीडियो बनाई यार, लेकिन गाइस गेम के सरप में जितना एक्सपेक्टेशंस था ना गाइस बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़ी नहीं हुई है। कल यहाँ पे शुरू में देखने में लग रहा था बढ़िया होगा, बट हाँ जैसे जैसे प्ले करा ना गेम के बारे में पता लगने लगा कि भाई कितना मतलब ये डाउनग्रेड बनाया गया इस गेम को। अब गाइज इनिशियल लेवल में गाइज देखो, अभी आप लोग बोल रहे हो भाई अभी तो आया ही है बीटा वर्जन में है, तो भाई देखो एक आप बात सुने होगे कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो वही बात इन्होंने गाइज टाइम लिया 3-4 मंथ्स का, 3-4 मंथ्स में इससे बेटर गेम्स बनाया जा सकता है, बट नहीं बना पाए ये लोग अच्छी टीम ले करके भी, तो ये तो गाइज एक डाउनग्रेड ही हुआ ना। और मतलब इससे आप लोग एक ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई इंडिया के गेम्स जो है वो नहीं आगे बढ़ सकते, इससे बेटर गाइज, इससे फार बेटर गाइज मुझे रॉग हिस्ट लगा है, ठीक है? रॉग हिस्ट आप
आपने नहीं खेला होगा तो खेल लेना, रॉगिच इससे फार बेटर गेम है, बैटल रॉयल है वो भी, मतलब 5v5 मल्टीप्लेयर मोड भी है उसमें, तो वो अच्छा है। ठीक है, बैटल रॉयल अभी उसमें आया नहीं है बट अपडेट्स के साथ आ जाएगा और वो थोड़ा आगे प्रोग्रेस भी करेगा, बट फौजी का नहीं कुछ सीन है गाइस, मतलब बस पैट्रियटिज्म के नाम पे यहाँ पे थोड़ा सा ओवर हाइप हो गया था गेम। और एक चीज़ आपने देखी होगी, जो भी चीज़ें ओवर हाइप होती है भाई वो खराबी हो जाती है हमेशा, तो ओवर हाइप कोई भी चीज़ मत किया करो, फौजी का ओवर हाइप था तो ये गेम मतलब मज़ा ही नहीं आया भाई बिल्कुल भी, एक ही मतलब बात है कि भाई मज़ा ही नहीं आया। ठीक है, तो चलो ये सब बात छोड़ते हैं गाइस, फौजी का तो मैंने रिव्यू दे दिया आप लोगों को, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। तो भाई देखो, पबजी मोबाइल इंडिया जो है अब यहाँ पे स्पेकुलेशंस है कि गाइस काफ़ी जल्द आने वाला है, एंड कहीं ना कहीं गाइस फौजी का जो एक बोलते हैं ना रास्ते का पत्थर होता है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो वो गाइस यहाँ पे फौजी था, तो फौजी लॉन्च हो गया है, फौजी निकल गया। अब एक दो वीक के अंदर में गाइस आपको 100% कुछ ना कुछ पबजी की तरफ से अनाउंसमेंट मिलेगा, यानी कि फेब के यहाँ पे 10 तारीख से पहले पहले कुछ तो अनाउंसमेंट आएगा, मतलब या तो रिलीज डेट, न्यू पोस्टर या फिर कुछ भी आपको न्यूज़ निकल कर सामने आएगी कि हाँ भाई अब तो गेम लॉन्च होने पर है। और यहाँ पे पबजी ने भी बहुत टाइम ले लिया अपने सारी चीज़ें करने पे, और आपको एक बात मैंने बताई थी कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और यहाँ पे पबजी का जो है मतलब सर्वर्स को लेकर के एक मीटिंग होना था, वो शायद से हो गया है। ठीक है, वो मैंने आपको वीडियो बनाई थी एक वीक पहले शायद से, ठीक है, तो अब शायद वो मीटिंग हो गई, उसके बारे में न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है, बट जो भी है सर्वर को लेकर के यहाँ पे मीटिंग थी, तो मुझे लग रहा है अभी सर्वर एक्टिव करने के लिए पबजी ने बात करा है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर से, तो देखते गए आगे आने वाले दिनों में क्या है। बट यहाँ पे गए फेब में जो है पबजी इंडिया का आना 100% श्योर है, मार्च में गाइस कोई कीमत पे गाइस गेम इतना डिले नहीं कर सकता कि मार्च में आए। ठीक है, फेब में ही आएगा, आना होगा तो, और मार्च में नहीं आएगा। ठीक है, मार्च के भले ही आप लोग 10 तारीख तक वेट कर सकते हो, उसके ऊपर भाई नहीं जाएगा। ठीक है, यही जो भी सीन है यही है, तो चलो वेट करते यार, फेब का लास्ट मंथ है यार, होप करते कि आ जाए पबजी। क्यों भाई क्यों, मतलब अगर इसको फौजी को आप लोग इस पबजी से कंपेयर कर रहे थे ना शुरू में यार, मतलब फौजी जो है पबजी का 10% मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 5% भी नहीं है, 1-2% तो चलो ठीक है, आप लोग 25 मिनट अपना दे रहे हो गेम में, और गेम में आप लोग 1-2 बारी मरोगे तो वापस से रीस्टार्ट भी करोगे। ठीक है, तो उतना टाइम ले लो, 1-2 घंटे से ज़्यादा आप ये गेम खेल नहीं सकते, बोर हो जाओगे, डिलीट विलीट मार दोगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ गेम है ये, तो बस यही था मेरा रिव्यू प्लस यहाँ पे पबजी इंडिया का इन्फॉर्मेशन कि भाई अब पबजी इंडिया काफ़ी जल्द आप लोगों को आने वाला है, मतलब आ ही जाएगा, और बस वेट करते हैं, होप करते हैं कि आ ही जाए जल्दी से। तो बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे वीडियो लाइक कर देना, एंड आप लोग अपने ओपिनियंस बताना कि भाई आप लोग के फौजी पे क्या ओपिनियंस है। आई नो गाइस आप लोग भी यही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ, बट कुछ ज्ञानी बाबा जो है अभी आके कमेंट करेंगे कि भाई इंडियन लोग है जो इंडियन गेम्स को प्रमोट नहीं करते, इंडियन गेम्स को सपोर्ट नहीं करते। एक कारण है भाई कि गेम उस लेवल का होना चाहिए, कोई भी कंट्री से गाइस गेमर्स को गाइस कंट्री से उतना मतलब नहीं होता है, गेम से मतलब होता है। ठीक है, कोई भी कंट्री बनाए, गेम अच्छी होनी चाहिए, वो उसको खेलेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये बात होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे कंट्री वाइज सिस्टम चलता ही नहीं है गेमिंग में। इसके अलावा यहाँ पे गाइस कोई स्ट्रीमर्स यहाँ पे गाइस जो भी बड़े बड़े स्ट्रीमर हैं उन्होंने क्यों यहाँ पे मतलब नहीं करा, पहले तो बोला था भाई स्ट्रीम करेंगे, अब क्यों नहीं, क्योंकि भाई गेम में कुछ है ही नहीं। अब 20-25 मिनट खेल के भाई कोई स्ट्रीम थोड़ी करता है, अगर लेवल सिस्टम होता है ना कि मतलब एक लेवल पार कर लिया फिर दूसरा लेवल, वैसा गाइस मज़ा भी आता कि चलो हाँ एक वीक या वन मंथ तक आप इस गेम को प्ले कर सकते हो धीरे धीरे, लेकिन नहीं भाई वैसा कुछ है ही नहीं, 25-30 मिनट का गेम है टोटल, ख़त्म हो जाता है फिर, और कुछ वेपन्स वगैरह भी नहीं है, तो ऐसे ही दिमाग खराब होता है। तो चलो खैर, बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।